बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब कीजिए डेली लाइफ टिप्स यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी को भी दबा दें। बेशक जो किसी का भला करता है अल्लाह पाक उसका भला फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, दुश्मन से निजात के वज़ाइफ की अक्सर नौबत आती रहती है। जब जान माल औलाद और इज्जत महफूज ना रहे तो फिर दुश्मन का मुंह बंद करना भी जरूरी होता है, वरना शरीर इंसान बेलगाम होकर दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन जाता है। मगर फिर भी मेरा आपके लिए यही मशवरा है कि जहाँ तक मुमकिन हो दरगुजर करने की कोशिश करें। औलिया इकराम का भी यही तरीका रहा है, अपने दुश्मन या रिश्तेदार की शरारत से महफूज और उनकी तरफ से किसी काम में रुकावट डालने के तोड़ के लिए ये नबवी दुआ पढ़ लें। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम की तरफ से शर या बुराई का डर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे। दुआ के ये अल्फाज हदीस की किताब अबू दाऊद में मौजूद हैं। आप भी इन अल्फाज को जुबानी याद कर लीजिए ताकि दुनिया और आखिरत के फायदे आप भी हासिल कर सकें। अल्लाहुम्मा इन्नी नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, यानी ए अल्लाह, बेशक हम तुझे उन दुश्मनों के मुकाबले में लाते हैं और उन दुश्मनों के शरूर से तेरी पनाह मांगते हैं। नाज़रीन किराम, आप इस नबवी दुआ को अपनी नमाज में भी पढ़ सकते हैं और सुबह शाम के वज़ाइफ में भी शामिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेंगे और तमाम मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।